दोस्तों ये एडवर्टाइज नहीं है, लेकिन आप भी अगर सैफी सिंगर से लाइव बात करना चाहते हैं तो आ जाओ यहाँ, नहीं यहाँ। वैसे अगर टारगेट हमें मौज एप्लीकेशन पर मिंट्स को करना होता तो शायद उस मिंट्स की बदौलत हमें बहुत सारी अर्निंग हो चुकी होती, लेकिन वादा कर रहा हूँ कि ये भी मिंट्स से ही मिलता जुलता है। और ये मौज एप्लीकेशन पर नया अपडेट आया है टारगेट ऑडियंस वाला, एक टारगेट फीचर है, एक टारगेट बैटल है। कैसे इसको ऑन कर सकते हैं और क्या है इसके अंदर, इसको समझते हैं सीधे टॉपिक पर। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लेकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें दोस्तों, और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए क्योंकि रेगुलर अपडेट आपको वहां भी देखने को मिलती रहती है डे बाय डे एवरी डे। हम यहां पर मौज एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। मौज एप्लीकेशन पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी टारगेट ऑडियंस खुद आप सेलेक्ट कर पाते हो, और आप अब जो ऑडियंस तय कर रहे हो, लाइव ऑन कर लिया, आपकी लाइव ऑन हो गई है, ऑनबोर्डिंग हो गई है, उसके बाद आपका काम रहता है अपनी ऑडियंस को टारगेट करना, ये आपका काम है। लेकिन ऑडियंस को भी एक टारगेट देना होता है, वो टारगेट आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये लाइव के अंदर एक टारगेट का बैटल शुरू हो चुका है, इसमें बहुत इजीली एक्सेस कर पाते हैं, आपकी वर्चुअल गिफ्टिंग भी अच्छी होती है इसमें, और लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्टिंग करते हैं तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पाते हैं वर्चुअल गिफ्टिंग के थ्रू, ये बात आपको पता होगी। तो वर्चुअल गिफ्टिंग को ऑडियंस टारगेट कर रही है, इस चीज का नया फ्यूचर मौज ने बनाया हुआ है। मुझे नहीं पता कि अभी तक आपको ऐसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं बहुत सरल भाषा में आपको अपनी लाइव में ले जाके दिखाऊंगा तो आप ये पूरी तरह से देख पाएंगे, और इसको कैसे यूज करना है ये भी आप पूरी तरह से समझ पाएंगे, पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। लेकिन उस प्रोसेस को एंड तक ले जाने के लिए हमारे काम आने वाली है हमारी ये मौज पर लाइव वाले स्क्रीन। सो गाइस, ये मेरा लाइव अभी ऑन हो गया है, तो इस वक्त मैं ऑनलाइन आ चुका हूँ अपने लाइव में, और यहाँ पर हमारे पास नीचे ही एक ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर वो आपको देखने को मिल जाएगा जैसे ही आप इसको टैप करते हैं। यहाँ टैप करने के बाद आपको एक पॉपुलर डिमांड मिल जाएगा, कन्वर्जेशन वोट्स है और ये सारे यहाँ पर फीचर हैं, लेकिन हमारा जो है पॉपुलर डिमांड है। जैसे ही मैं इसको टैप करता हूँ यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है पॉपुलर डिमांड, आस्क योर फैंस टू हिट द चीयर्स टारगेट इन ऑर्डर टू सी द परफॉर्म एंड चैलेंज। यहाँ पर एक टारगेट मुझे सेट करना है, जैसे कि यहाँ पर जो चीयर्स हैं वो चीयर्स आप देख सकते हैं कितने देने हैं, 500 है, तो मैं यहाँ पर 500 टास्क यहाँ पर कर देता हूँ। चलो 500 यहाँ पर कर देते हैं टारगेट, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट हो चुका है 500 का, इसको मैं बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से बढ़ भी सकता है वो एज इट इज, जितना भी आपको बढ़ाना है। यहाँ पर टाइम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, टाइम के बाद आपको कितने यहाँ पर लिमिट रखनी है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर उसको सेट कर सकते हैं, कितने चीयर्स आपको चाहिए। एक टारगेट करना है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर टारगेट कर देता हूँ कि मुझे 10,000 चीयर्स चाहिए ही चाहिए अपनी ऑडियंस से, तो मैं एक नॉर्मल सा वो कर लेता हूँ और यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। ये स्टार्ट यहाँ पर हो चुका है, अब ये स्टार्ट देखिए, यहाँ पर मैंने 10 मिनट का टाइम डाला था तो यहाँ 10 मिनट का टाइम आ गया है, और यहाँ पर टारगेट जो हमारी ऑडियंस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, और मैंने ऊपर यहाँ टाइटल लिखा हुआ है 500 टारगेट, यहाँ पर 500 टारगेट लिखा हुआ है लेकिन मैंने टारगेट कर दिया है 10,000, तो सिंपल से वो 10,000 मुझे यहाँ लिखना था बट मैंने 500 कर दिया है। तो यहाँ दोनों को आप अपने हिसाब से मैच कर सकते हैं। जैसे जैसे लोग आपको गिफ्ट देना शुरू करेंगे, ये वाला जो सर्कल है वो यहाँ से ऐसे करते हुए 10,000 होते होते वो यहाँ तक आ जाएगा। आपकी जो टारगेट है वो कंप्लीट होने के बाद आपकी ये जो गिफ्ट है वो कंप्लीट यहाँ हो जाएगा, और यहाँ एक पॉपअप शो हो जाता है आपकी स्क्रीन पर कि आपने टारगेट को अचीव कर लिया है। ये आपकी ऑडियंस ही तय करती है। और अगर आप इस बैटल को देखना चाहेंगे किसने अभी तक गिफ्ट करें, तो यहाँ टैप करने के बाद आपको दिख जाएगा, जैसे अभी किसी ने भी गिफ्ट यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, आप अपनी टारगेट को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। वापस से अगर यहीं पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद पॉपुलर डिमांड आपको मिल जाता है। दोबारा से अगर इसको हमें कैंसिल करना है, मान लो ये हमने गलती से यहाँ 10,000 कर दिया है और इसको हमें कैंसिल करना है, तो ये सिंपल से यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये हमारा जो टारगेट ऑडियंस है ये बिल्कुल हट जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बिल्कुल स्क्रीन फ्री हो चुकी है, तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही है, बस आपको नॉर्मल से टैप में ऑप्शंस में जाना है और इन सब चीज़ों को एक्टिव कर लेना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वाकई अच्छी लगी है तो वापस से एक लाइक जरूर कर दें।